फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल ग्लैमरस लक्ष्मी एंड मैं हूँ लक्ष्मी। होप आप सब भी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना रक्षाबंधन स्पेशल होने वाला है। अभी एक महीने बाद त्योहार ही बहुत सारे लाइंड अप हैं। रक्षाबंधन हो गया, नागपंचमी हो गया एंड उसके बाद तो करवा चौथ वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, कोई ना कोई त्योहार। आज की जो भी साड़ियां हैं इस तरीके से हैं कि आप फेस्टिवल्स में पहन सकती हैं। वेडिंग पर्पस से लेना चाहती हैं तो भी ले सकती हैं, अपने लिए या फिर किसी की शादी में पहनने के लिए या फिर किसी को देने के लिए तो भी परफेक्ट रहेंगी। मैं आपको एक एक करके साड़ी दिखाऊं। उससे पहले ना अगर आप चाहें तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलिए मैं आपको एक एक करके साड़ी दिखाती हूँ। जो फर्स्ट है ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी है एंड ज्यादा महंगी भी नहीं है। एंड ये वाली साड़ी ना रीसेल में भी अवेलेबल है। अगर आप रीसेल में परचेज करना चाहती हैं तो आपको मीशो से कम प्राइस में मेरे से मिल जाएगी। एंड ये न्यू कलेक्शंस में से है तो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। इसका जो कलर है, एम्ब्रॉयडरी है, सारा कुछ बहुत ही प्यारा है। मैं आपको पूरी साड़ी ओपन करके दिखाती हूँ। इसका ब्लाउज एंड साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन, एक एक चीज बहुत ही खूबसूरत है। ये कुछ इस तरीके की साड़ी है। जॉर्जेट का फैब्रिक मिलता है, फैब्रिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी मिलती है, रेड कलर का पाइपिंग लगाया गया है एंड ये एम्ब्रॉयडरी कोई बॉर्डर नहीं है, फैब्रिक पे ही एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। अभी इस टाइम इस तरीके की साड़ियां बहुत चल रही हैं एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक पे ही, लेकिन जो बॉर्डर वाली एम्ब्रॉयडरी रहती है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। एंड ये इस तरीके से है ऐसी, एंड बहुत ही प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये वाला जो एम्ब्रॉयडरी है बारीक बारीक सा एम्ब्रॉयडरी हो रखा है मल्टी कलर में एंड बीच में सीक्वेंस वर्क में साड़ी मिलती है। इस तरीके का कलर है कि आप डे फंक्शन हो या फिर नाइट फंक्शन हो पहन सकती हैं। एंड रक्षाबंधन में पहनने के लिए लेना चाहती हैं तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ये इस तरीके की ऐसी है, सीक्वेंस वर्क मिलता है, जहां से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहां से ये वाला बॉर्डर का एम्ब्रॉयडरी मिलता है। पल्ले में ये पूरा ही भरा भरा सा सीक्वेंस वर्क है एंड इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है सीक्वेंस का, नहीं बहुत ज्यादा भरा भरा है और नहीं बहुत ज्यादा खाली भी है। सीक्वेंस के साथ धागे से एम्ब्रॉयडरी भी हो रखी है। जिधर फ्रंट प्लीट बनाते हैं ये आप देख सकते हैं, कपड़े का जो कलर है कितना खूबसूरत है, कपड़े का ये जो क्वालिटी है क्वालिटी बहुत अच्छी है। नी के नीचे ये वाला सीक्वेंस वर्क का एम्ब्रॉयडरी मिलता है और ये जो बॉर्डर में है ना बॉर्डर वाली एम्ब्रॉयडरी मिलती है और रेड कलर की लेस मिलती है। ब्लाउज एंड साड़ी का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है, अभी आप देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये लास्ट में इतना थोड़ा सा 1 मीटर से कम ऐसा फैब्रिक है, आई थिंक 60 सेंटीमीटर इतना होगा, ये मात्र इतना सा, जितने में नीचे एम्ब्रॉयडरी नहीं है सीक्वेंस वर्क का काम एंड बॉर्डर का काम, बाकी का पूरे में भरा हुआ है। जैसे बहुत ज्यादा खाली रहता है तो क्या होता है ना, फ्रंट प्लीट के फर्स्ट वाले प्लीट तक खाली खाली पोर्शन आ जाता है जो कि बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। एंड इसके साथ जो ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है ये इस तरीके से, ब्लाउज का फैब्रिक भी एकदम परफेक्ट है। ये नहीं कह सकते कि चीप क्वालिटी में है या फिर बहुत मोटा फैब्रिक है तो फिट अच्छा नहीं आएगा, बहुत ही बढ़िया सा फैब्रिक है, ना बहुत ज्यादा थिक है ना बहुत ज्यादा पतला है, फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा है, सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मिलता है, रेड कलर का है। इस तरीके से पूरे में एम्ब्रॉयडरी मिलता है ऐसा, एंड बहुत ही सही है कि साड़ी जो है पूरी सीक्वेंस वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी से भरी है। तो ब्लाउज इस तरीके का है, बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं है, छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी मिलती है एंड बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है। ये साड़ी अच्छी लगी है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट जो साड़ी है ये मैं आपको कौन सी दिखाऊं, ये दिखाती हूँ, इसके अंदर देखते हैं कौन सी साड़ी निकलती है। ये येल्लो कलर की साड़ी है एंड आई थिंक ये साड़ी थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन गाइज यकीन मानिए ये प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है, कलर उतना ही अच्छा है, पता नहीं कैमरे में उतना अच्छा कलर आएगा कि नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कलर बहुत अच्छा है। जॉर्जेट फैब्रिक में साड़ी है, येलो कलर की है, साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा लग रहा है। वेट मैं दिखाती हूँ आपको, अगर आप किसी फंक्शन में पहनने के लिए लेना चाहती हैं या फिर किसी की हल्दी में पहनने के लिए तो एक नंबर साड़ी है। इसका और कलर कॉम्बिनेशन तो मुझे नहीं दिखा, सिर्फ और सिर्फ येलो कलर इसका दिखा है, लेकिन गाइस यकीन मानिए बहुत ही अच्छी है। मैंने जैसे ही देखा मुझे बहुत अच्छी लगी है। पल्ले में इस तरीके का काम हो रखा है, ये ऐसा, ये देखिए इस तरीके का पल्ले में काम मिलता है, ऐसा बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है।
जॉर्जेट का फैब्रिक मिलता है, जॉर्जेट में कुछ ऐसा लाइनिंग वाला पैटर्न मिलता है, वुवन वर्क हो रखा है अंदर से, ये वाला जो मिलता है लाइनिंग ये इस तरीके से। एंड ये बॉर्डर है, जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से 2 मीटर पूरा बॉर्डर मिलता है। एंड साड़ी में पूरा ही ऐसा लाइनिंग लाइनिंग मिलता है, फैब्रिक का क्वालिटी बहुत अच्छा है, जॉर्जेट का फैब्रिक है। नीचे में ये वाला जो बॉर्डर है, बॉर्डर कंटिन्यू है, ये इस तरीके से है ऐसा, ये देखिए। एंड लास्ट में इतना सा फैब्रिक मिलता है जितना फर्स्ट ब्रेक में जाता है, इतना इतने में बॉर्डर नहीं है, बाकी का पूरे में बॉर्डर मिलता है। अब देखिए इसके साथ जो ब्लाउज आता है ना, ये येलो कलर का मिलता है। अगर आप इसके साथ कोई रेड कलर में ब्लाउज पहनती हैं तो शायद और भी अच्छी लगेगी साड़ी, लेकिन इसके साथ जो आया है तो ये सेम कलर में आया है, जैसा बॉर्डर नहीं है सेम उसी कलर में ये ब्लाउज का मिलता है। लेकिन हाँ ये है कि ब्लाउज का जो एम्ब्रॉयडरी है ये बहुत ही अच्छी है, इस तरीके से ये एक स्लीव के लिए एम्ब्रॉयडरी मिलता है एंड सेकेंड स्लीव के लिए इस साइड में एम्ब्रॉयडरी मिलता है, और ये फ्रंट एंड बैक के लिए, ये एक साइड में फ्रंट के लिए है एंड इधर से मैं दिखाऊं आपको तो ये बैक के लिए मिलता है एम्ब्रॉयडरी। ब्लाउज के फैब्रिक का भी क्वालिटी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा नहीं है। एंड जैसा आप देख रहे हैं ना, इससे डार्क कलर है, कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अगर आप रक्षाबंधन में पहनने के लिए लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, ब्लाउज उतना ही अच्छा है, साड़ी उतनी ही अच्छी है। एंड गर्मी तो बहुत ज्यादा है, गर्मी का क्या कहना। एंड जो साड़ी है ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है, आई थिंक कॉटन की साड़ी होगी क्योंकि मैंने कुछ कॉटन की भी मंगवाई थी। जैसे रक्षाबंधन त्योहार हो गया तो इन सब में पहनने के लिए ना कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि घर में भी पहन सके, तो कॉटन की साड़ियाँ गर्मियों में पहनने के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल रहती हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरीके की साड़ी है, जैसा दिख रहा था वैसा आया है कि नहीं। अब भी ऐड करूंगी तो आप लोग कैटलॉग भी देखिएगा। हाँ है वैसी ही साड़ी, लेकिन कॉटन की है थोड़ी, एंड फैब्रिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, एकदम प्योर कॉटन में साड़ी मिलती है। ये इस तरीके का पल्ला है, देखिए इसका कलर एग्जैक्टली आ रहा है, जो कलर दिख रहा है सेम यही कलर है, लेकिन लाइट कलर्स के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी एक्चुअल कलर नहीं कैप्चर करता है। जैसे ये जो इसमें दिख रहा है ना, ये कलर बिल्कुल भी नहीं है, इससे डार्क कलर है लेकिन इसमें लाइट दिखा रहा है, और ये वाला जो साड़ी है ना ये एकदम वही कलर दिख रहा है जो है। ये देखिए ये इस तरीके से पल्ला मिलता है, ऊपर के साइड में ऐसा बॉर्डर मिलता है, पल्ले में ऐसा डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, और नीचे आते हैं तो नीचे के साइड में ये ऐसा बॉर्डर मिलता है, किनारे में ये ऐसा टसल्स लगाए गए हैं ये इस तरीके के। एंड गाइस यकीन मानिए कि फैब्रिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ये बॉर्डर चौड़ा है लेकिन हाँ ये है कि एकदम लाइट वेट बॉर्डर है, बिल्कुल भी आपको हैवी नहीं लगेगा। ये पूरी ही साड़ी सेम इसी कलर में है इस तरीके की, एंड हैवी बॉर्डर मिलता है ऐसी, कॉटन का फैब्रिक है। अगर आपके यहाँ कोई छोटा मोटा फंक्शन है, जैसा मैंने बताया कि रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो है, तो रक्षाबंधन में भी पहनने के लिए ले सकती हैं, बहुत ही रिच लुक देगी ये आपको साड़ी, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मीशो पे कॉटन की साड़ियों का कलेक्शन अच्छा है, एंड इसी में ये ब्लाउज का भी फैब्रिक लगा हुआ है, तो आप इसे चाहें ये वाला पोर्शन तो स्लीव में लगवाएं या फिर बैक में लगवा सकती हैं। एंड ये वाला बॉर्डर भी है, अगर आपको चौड़ा बॉर्डर नहीं पसंद है तो आप ये पतला बॉर्डर स्लीव में लगवा सकती हैं। साड़ी बहुत ही अच्छी है, कलर से फैब्रिक से, फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका, फैब्रिक का क्वालिटी ऐसे छूने से ही पता चल रहा है, कॉटन में बहुत बढ़िया है साड़ी। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो है ये वेट दिखाती हूँ आपको, इसका पैकेट खोल रही हूँ। ये वाली साड़ी भी आई थिंक कॉटन में ही है, ये भी साड़ी घर में पहनने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, कलर से अच्छी है। अब देखती हूँ कि कलर तो ऐसे अच्छा दिख रहा है कि फैब्रिक कैसा है इसका, कॉटन में ये भी है, ये भी कॉटन में है। एंड गाइज इसका भी फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, फैब्रिक के अलावा इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर आप स्कूल में पढ़ाती हैं तो भी ट्राई कर सकती हैं, और वैसे भी अगर वर्किंग वूमन है तो भी ले सकती हैं, मस्त लगेगी। इसका जो पैटर्न है ये बहुत अच्छा है, ग्रीन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में साड़ी है ये वाली, इसका मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, ये कुछ इस तरीके का ग्रीन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में साड़ी है। इसका भी कलर, हाँ अभी जो आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम कलर यही है, ये इस तरीके का किनारे में ब्लैक कलर के टसल्स लगाए गए हैं। एंड कॉटन की साड़ियाँ भी इतनी अच्छी अच्छी मीशो पर मिलती हैं, ब्लैक एंड ये मेहंदी ग्रीन कलर में साड़ी है, डार्क वाला ग्रीन है, ये इस तरीके से लाइनिंग लाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, इतनी अच्छी खासी ऊंचाई है कि अगर आपकी हाइट 5'7" है तो भी आप पहनेंगी छोटी नहीं पड़ेगी। ये ऐसा लाइनिंग लाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट मिलता है जिधर ये फ्रंट प्लीट बनाते हैं ना इस साइड में थी। एंड इसके बाद आते हैं लास्ट में, तो लास्ट में ये आधी साड़ी में ऐसा लाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, एंड लास्ट में 1 मीटर के आसपास ऐसा प्लेन मिलता है, एंड इसी में ब्लाउज का भी फैब्रिक है, ब्लाउज का फैब्रिक प्लेन है तो अच्छा है साड़ी। एंड ब्लाउज का जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है सारा कुछ बहुत अच्छा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए मैं आपको आज के हॉल वीडियो की लास्ट साड़ी दिखाती हूँ, ये जो है ये 300 समथिंग में है साड़ी,
जैसे मुझे एक कमेंट आया था कि कुछ सस्ती साड़ियों का रिव्यू कीजिए, तो 300 में साड़ी है। अगर आप किसी की मेहंदी फंक्शन में पहनना चाहते हैं या फिर रक्षाबंधन में भी पहनने के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकती हैं 300 के अकॉर्डिंग। कैटलॉग में तो बहुत अच्छी दिख रही थी, अब ऐसे देखते हैं कि कैसी आई हुई है। तो ये देखिए, ये ऑर्गेंजा टाइप में फैब्रिक मिलता है, फैब्रिक बहुत ही मजबूत है एंड साड़ी उतनी ही खूबसूरत है। आप कह नहीं सकते कि ये 300 की साड़ी है, आपको यकीन नहीं होगा इतनी प्रिटी सी साड़ी है। ये ब्लाउज का फैब्रिक का क्वालिटी तो अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप ये वाली लेस निकलवा के किसी और में लगवा सकती हैं। डुपिन सिल्क फैब्रिक मिलता है, फैब्रिक का क्वालिटी, फैब्रिक एकदम पर्याप्त है, आपको हाफ स्लीव तक का ब्लाउज बन जाएगा एंड साड़ी 300 के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया है। ये इस तरीके से है, ऑर्गेंजा फैब्रिक मिलता है। पहले जो नेट के फैब्रिक आते थे तो वो कमजोर रहते थे, जल्दी से खराब हो जाते थे, लेकिन अभी ये जो ऑर्गेंजा टाइप का फैब्रिक आ रहा है नेट में, ये बहुत सही रहता है, जल्दी से ऐसा नहीं है कि कोई छुबी लग गया थोड़ा सा तो फट जाएगा, खिंच जाएगा धागा, कुछ भी सीन नहीं है। ये इस तरीके का बॉर्डर मिलता है येलो कलर का एंड साड़ी में ऐसी एम्ब्रॉयडरी मिलती है, एकदम नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। इस तरीके का बीट का डिटेलिंग हो रखा है ऐसा, ये देखिए, एंड पूरी ही साड़ी में ये वाला भरा भरा सा एम्ब्रॉयडरी मिलता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी पोर्शन कोई खाली हो, पूरी ही साड़ी बहुत भरी भरी सी है। मुझे लगा था 300 में ऐसे ही कोई साड़ी होगी, लेकिन 300 के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया साड़ी है। पूरे में ये वाली एम्ब्रॉयडरी पूरा लास्ट तक है, बस इतना सा फैब्रिक खाली मिलता है। ब्लाउज का फैब्रिक भी है, पर्याप्त है। अब थोड़ा सा क्वालिटी के साथ तो मैनेज करना ही पड़ेगा, 300 में आप और क्या लेंगे। आपको कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। आप इनमें से कौन सी साड़ी परचेज करने वाली हैं रक्षाबंधन के लिए मुझे बता सकती हैं एंड इसी तरीके के बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल के साथ चिपक के रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आप आने वाले फेस्टिव्स के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ ग्रैब कर सकें। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकती हैं। मिलती हूँ आपसे अनदर शॉपिंग हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।